सुनो प्रिया, तुम्हें बताना ही भूल गया था। आज पापा से मेरी फोन पे बात हुई थी। थोड़ी देर में पापा घर पहुंच जाएंगे, तुम प्लीज उनके लिए खाना बना देना। और हाँ, रूम भी सेट करवा देना, क्योंकि अब वो हमारे साथ परमानेंट रहने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? पापा यहाँ क्यों आएंगे? मुझसे किसी का काम नहीं होता, वो यहाँ नहीं रह सकते। उन्हें आज के आज यहाँ से जाने को कह देना। प्रिया, मैंने कहा ना, अब वो यहीं रहेंगे। ठीक है, तो या तो वो रहेंगे या फिर मैं। प्रिया प्लीज समझो ना, आखिर इस उम्र में पापा कहाँ जाएंगे, हम ही तो उनका सहारा हैं। मुझे कुछ नहीं। अचानक यहाँ कैसे? बेटा, मेरी तो सुबह दमाद जी से बात हुई थी, क्या बताया नहीं उन्होंने तुम्हें? मुझे तुम्हारे भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। तुम्हारी भाभी ने मना कर दिया खाना बनाने के लिए मेरा। उसने कहा या तो उस घर में वो रहेगी या मैं रहूंगा। अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाता? मैंने तो वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन जब ही दमाद जी का फोन आया और मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बताई, उन्होंने मेरी टिकट करा दी। नमस्ते पापा, सरद में कोई परेशानी तो नहीं? आशीर्वाद बेटा। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई, तुमने टिकट करा दी थी, मैं बहुत आराम से आया। प्रिया, मैं तो वृद्धाश्रम जा रहा था, लेकिन शरद जी ने कहा कि अब आप अपने बच्चों के पास ही रहोगे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सच में प्रिया, मैं तो धन्य हो गया ऐसा दामाद पाकर। मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मेरे दामाद ने मुझे सहारा दिया। प्रिया बेटा, आपको तो कोई परेशानी नहीं है मेरे यहाँ रहने से? कैसी बात कर रहे हैं पापा आप, मुझे भला क्या परेशानी होगी। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप फ्रेश जाइए, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। चलिए। आई एम रियली सॉरी शरद, मुझे लगा कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें घर में आने से मना कर दिया। मैंने अपने और तुम्हारे पापा में भेदभाव किया, और तुमने मेरे पापा को कितना मान दिया, सम्मान दिया, उन्हें अपना माना, उन्हें अपने घर में रहने की जगह भी दी। प्रिया, ये सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, मोस्टली हर बहू ऐसा ही सोचती है कि मेरी नहीं, मेरे पति के माँ बाप हैं। पता नहीं ये बात लड़कियाँ क्यों भूल जाती हैं कि जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है, वैसे ही हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। जब पेरेंट्स अपने बेटे की शादी करते हैं तो ये सोचते हैं कि उनकी बहू उनके सुख दुख में साथ देगी, उनका घर संभालेगी, रिश्तों की कदर करेगी। लेकिन तुम लोग माँ बाप को उसके बेटे से अलग कर देते हो, पर तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भी माँ बाप हैं, भाई भाभी हैं। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे पेरेंट के साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए घर को जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि तोड़ने का। रिश्ते हमारे अपने ही होते हैं, इसलिए उसे हमें ही संभालना होता है।